टोयनेट एक्सप्रेसो का धमाकेदार अपडेट आ चुका है और दिल खुश कर देने वाला अपडेट आया है। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या अपडेट आया है और उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि टोयनेट एक्सप्रेसो का क्या अपडेट आया। पहला अपडेट आया है कि दोस्तों आप APS से बैलेंस जो विड्रॉल करते हैं, पहले 3,000 पे 10 रुपया मिलता था, लेकिन अब उसको APS में 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए 5,500 करते हैं या 5,600 करते हैं या 6,000 का करते हैं या 8,000 का करते हैं या 9,999 का करते हैं, फिर भी आपको 10 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बता दें कि इसके अलावा क्या अपडेट आया। अब अपडेट जो आया है वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड आया है और इसमें आप फिंगर के माध्यम से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो फिंगर से अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन सा अकाउंट ओपनिंग सर्विस को एक्टिव किया गया है उसे हम बता देते हैं आप लोगों को। एप्लीकेशन में अभी अकाउंट ओपनिंग का सर्विस में वो बैंक को नहीं ऐड किया गया है जिस बैंक के माध्यम से आप फिंगर से काम कर पाएंगे, उसका हम इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ चुका है, वहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब फिंगरप्रिंट से आसानी से बैंक सेविंग अकाउंट खोले। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप अकाउंट यहां पे अपने कस्टमर का ओपन कर पाएंगे। इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहां पे हम बता दें कि इसमें पहले अगर आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको उसमें 500 रुपये ऐड करना पड़ेगा, 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे तो आप 24 घंटे के बाद उस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपकी ID पे ये सर्विस एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव कराने के लिए मात्र आपको 600 रुपये पेड करना होगा। 600 रुपये जैसे ही आप पेड कर देंगे तो आपको ये अकाउंट ओपनिंग सर्विस एक्टिव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें अब अकाउंट ओपनिंग किस प्रकार से करना है फाइन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का टोयनेट एक्सप्रेसो के माध्यम से, उसका वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें टोयनेट एक्सप्रेसो का ID अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं ID लेने के लिए। तो मिलते हैं आप लोग उस नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।